दाल अचार बनाना सीखना है सिंपल तरीके से, वो भी घर में तो में डाल सकें, वो भी बगैर पानी का, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना होगा जिसका नाम है कि मेरे गुलनाज़ यूट्यूब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद गुलनाज़ यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम आपको मूली का अचार बनाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए हमने मूली ली है, 1 किलो हमने मूली ली है, जिसे हमने धोकर इस तरह सुखा लिया है। और इसके इसके अंदर हमने जो है नमक और आधी चाय का चम्मच जो है हल्दी लगा कर इसको अच्छी तरह 2 घंटे के लिए रख दिया था। और देखें, इसका 2 घंटे में इतना पानी निकल गया है, ताकि हमारा अचार जो है वो ख़राब ना हो। तो देखें, मूली पानी बहुत छोड़ती है, इसका हमने पानी निकाल लिया है इस तरीके से। उसके बाद जो हमें मसाले चाहिए, हमें आधी 1 चाय का चम्मच हल्दी चाहिए, और 3 खाने के चम्मच हमने लाल मिर्ची ली है पिसी हुई। नमक लिया है हमने 2 चाय के चम्मच, अपने जायके के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हमने मेथी दाना लिया है 2 खाने के चम्मच, जिसे हमने कूट लिया है। राई ली है हमने 2 खाने के चम्मच, और हमने सौंफ लिए 2 खाने के चम्मच। हम तीनों चीज़ों को हमने 2 2 खाने के चम्मच लिया है, जिसे हमने बारीक कूट लिया है। और ये हमने कलौंजी ली है 1 चाय का चम्मच जो है कलौंजी ली है। कलौंजी का हमने नहीं पीसा है, क्योंकि आप जानते हैं कलौंजी को अगर हम पीस के डालेंगे तो हमारा अचार जो है वो काला हो जाएगा। इसके बाद हमने 1 चाय का चम्मच जो है सफ़ेद ज़ीरा लिया है, जिसे हमने थोड़ा सा मोटा मोटा कूट लिया है। और आधी चाय का चम्मच जो है हमने जो अजवाइन ली है। उसके बाद हमने 2 गाँठे जो लहसुन लिया है, जिसे हमने बिल्कुल साफ़ कर लिया है। देखें, नींबू साइज़ के हमने 2 नींबू लिए हैं, जिसे हमने इस तरह काट लिया है, धोकर सुखाकर हमने इस तरह 4 पीस कर लिए हैं। और इसके बीज भी हमने निकाल लिए, क्योंकि बीज की ऐसे कड़वा हो जाता है। इसके बाद हमने तेल लिया है, 1 किलो तेल लिया है हमने तकरीबन, और ये कच्चा सरसों का तेल लिया है हमने। और हम डालने के बाद देखेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ी और तेल डालने की तो हम और तेल डालेंगे, ताकि हमारा अचार जो अच्छी तरह डूब जाए। अब अचार की जो रेसिपी है उसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, जो बिल्कुल फ्री है। देखिए, हमारे अचार की जो रेसिपी है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने बोल लिया है, प्लास्टिक की जो हमने बाल्टी ली है, जिसे अच्छी तरह धोकर सुखा लिया है। इसमें पानी नहीं होना चाहिए, वरना आपका अचार जो है ख़राब हो जाएगा। इसमें हम मूली डाल देंगे। मूली में पानी होता है और इसकी स्मेल भी होती है, लेकिन आप घबराइएगा नहीं। जब अचार तैयार होगा तो आपको थोड़ी थोड़ी स्मेल आएगी मूली की जो होती है, लेकिन जब अचार हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो जो इसकी स्मेल है वो निकल जाएगी और आपका अचार जो तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसमें हम डालेंगे लाल मिर्ची, जो हमने 3 खाने के चम्मच लिए हैं। इसमें इसके बाद हम हल्दी डालेंगे 1 चाय का चम्मच। इसमें नमक भी हम 2 चाय के चम्मच लेंगे, अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। हमने मूली में भी नमक लगाया था, इसलिए हम थोड़ा कम ही डालेंगे। इसमें इसके बाद ये 2 खाने के चम्मच हमने सौंफ लिया, जिसे हमने थोड़ा मोटा मोटा कूट लिया, ये भी डाल देंगे। ये दाना मेथी है 2 खाने के चम्मच। देखिए, ये हमने राई ली है, जिसे हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया है, ये डालेंगे हम 2 खाने के चम्मच। ये कलौंजी है, हमने इसको नहीं पीसा है, क्योंकि इसके ऐसा चार जो है वो काला हो जाएगा। तो 1 चाय का चम्मच कलौंजी है, जिसे हम डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें ज़ीरा है और कलौंजी है, ज़ीरा और अजवाइन है। ज़ीरा हमारा 1 चाय का चम्मच है, और अजवाइन जो है वो आधी चाय का चम्मच है, हम इसमें डाल देंगे। ये लहसुन है, हमने 2 गाँठे लेके से अच्छी तरह सुखा लिया था, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और ये 2 जो हमने आपको बड़े साइज के नींबू दिखाए हैं, वो नींबू हम इसमें डाल देंगे। इसमें इसे हमने धोकर सुखा कर और इसके बीज निकाल लिए हैं, और हम इसे अचार को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ताकि जो सारा मसाला है हमारा अचार मूली के साथ जो है मिक्स हो जाए। देखिए, आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें हम तेल डालेंगे। क्या आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, और आपने इसको पूरे 20 दिन आपने इसको हिलाना है डेली, वो भी सूखे चम्मच से। आपने एक ही चम्मच नहीं रखना है, रोज़ आपने अलग चम्मच लेना है, और आपने इसको सूखे चम्मच से हिलाना है। आपने इसमें हाथ भी गीला नहीं डालना है, ताकि आपका अचार जो है ख़राब ना हो। इसमें आप सरसों का तेल डालेंगे। हम तकरीबन 1 किलो तेल लिया है। हम देखेंगे, अगर हमारा अचार 1 किलो से कम में ही अगर डूब जाए तो हम इसको कम में ही यूज़ कर लेंगे।
देखिए हमारा अचार जो है डूब चुका है। अगर अचार तेल में सही से डूबा हुआ ना हो तो आपका अचार ख़राब हो जाता है, क्योंकि अगर वो तेल में नहीं डूबा हुआ तो ऊपर फंगस आने लगती है। तो इसलिए हम इसको पूरी अच्छी तरह डुबाएंगे ताकि हमारा अचार जो है वो ख़राब ना हो और बहुत मज़े का बने। देखिए हमने अचार में सारे मसाले और तेल डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और अब इसे हम 20 दिन के लिए रख देंगे। लेकिन आप अगर इसको अगले दिन खोलेंगे तो आपको थोड़ी सी स्मेल आएगी मूली की जो आती है अमूमन, लेकिन आप घबराइएगा नहीं क्योंकि आपका अचार ख़राब नहीं होगा, स्मेल आपको आएगी। आप गाजर का भी डालेंगे तो आपको उसमें भी हल्की हल्की स्मेल आती है। अचार जब पक जाएगा तैयार हो जाएगा बिल्कुल अपने ही मसाले और तेल में 20 दिन के तक, तो आपको बहुत अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट में भी बहुत मज़े का बनेगा। ये इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपने इसको डेली हिलाना है 20 दिन तक सूखे चम्मच से, और आपने मेरा एक गीला चम्मच डालना है, इसमें गीला हाथ डालना है, तो आपका अचार बहुत मज़े का बनेगा। और अब हम आपको दिखाएंगे 20 दिन के बाद अचार जो है तैयार हो गया। इसके 15 से 20 दिन लगे हैं तैयार होने में से, हमने डेली हिलाया है ताकि हमारा अचार जो है वो अच्छे से बन जाए। और आपने इसको सूखे चम्मच से हिलाना है पूरे 20 से 15 दिन में तैयार जो है हमारा अचार मूली का तैयार हो चुका है। अब इसको हम सर्व करेंगे। बगैर पानी का मूली का अचार डाला है और ये बहुत मज़े का बना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बना है। इसकी जो स्मेल है आप उससे परेशान नहीं हो रहे, क्योंकि 2-3 दिन आपको मूली की स्मेल जो आएगी। और इसका पानी हमने आपको सुखाने का तरीका बता दिया था कि आप इसमें हल्दी और नमक ला के रखेंगे थोड़ी देर, तो इसका पानी जो है वो निकल जाएगा। उसमें अभी बिल्कुल भी पानी नहीं है। इसको हम आपको तोड़ के दिखा देते हैं मूली, ये बिल्कुल गल चुकी है मूली, कच्ची नहीं है। देखिए मूली जो हमारी गल चुकी है, आप देख सकते हैं कि शीशे की तरह हो चुकी है, ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, क्योंकि ये पक चुकी है। इसमें हमने कोई सिरका कुछ कोई वो नहीं डाला है, इसको हमने नींबू में ही नींबू डाला था थोड़ी सी खटास के लिए, और ये तेल और मसाले में ही पका है 15 से 20 दिन। हमने इसे डेली हिलाया और हमारा जो मूली का अचार है वो तैयार हो चुका है। जिसका अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ अपना फैमिली मेम्बर फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी डिश कैसी लगी। जो मूली खाने के शौकीन है उसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।